इतना। नमस्ते सभी को, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और एक नया व्लॉग में आप लोगों का बहुत सारा दिल से वेलकम। और आज है फ्राइडे, मैं सुबह 6 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझे लगा आज स्कूल का रूटीन दिखा देती हूँ, मतलब बच्ची को क्या टिफ़िन में देती हूँ, क्या उसको खिलाती हूँ सुबह सुबह, तो वही मैं दिखा रही हूँ। सुबह मैं उसके लिए सैंडविच बनाई, रोज रोटी सब्जी, फिर पूरी सब्जी, ये सब तो देती हूँ, उपमा वगैरह और पोहा वगैरह देती हूँ। आज बोली कि मुझे सैंडविच दो, कुछ अलग चाहिए, कभी कभी बच्चों का भी मन का सुनना चाहिए, तो मैंने उसको सैंडविच बना के दिया। और सुबह के लिए उसके लिए दूध बनाया और केला दे दिया और थोड़ा सा एक सैंडविच का टुकड़ा दे दिया। और अभी चल रहा है टू मच, मतलब बिजी टाइम, स्कूल, ट्यूशन, स्विमिंग क्लास, फिर एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसका भी तैयारी करना है तो उसको लेके भी बैठना पड़ता है। उसके साथ साथ मैं भी पूरा बिजी, क्योंकि मेरा भी बच्चों का ट्यूशन चालू हो गया है। तो मेरी बेटी नहा धो के आ चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह नहाने से ही फ्रेश लगता है उसको, अभी गर्मी भी बहुत है तो क्रीम वगैरह वो लगा लेती है, लेकिन बाल बांधना उसको नहीं आता है, दोनों तरफ से पोनी बांधना पड़ता है, तो वो मैं करके देती हूँ। बच्चे हैं ना, आजकल ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, जैसे स्कूल, ट्यूशन, ये सब करते करते पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, तो उनका खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो। जैसे मैं सुबह उसको दूध देती हूँ तो उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर, जो भी दूध के साथ लेती है वो, उसके साथ मैं मखाना का पाउडर बना के रखी हूँ तो वो भी दे देती हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी आपके बच्चों को दो। मखाना में बहुत कैल्शियम रहता है, बच्चों के हड्डी मजबूत के लिए बहुत अच्छा रहता है, ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। ऐसे फ्राई करके दूंगी तो वो खाने का भी उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं शॉर्टकट तरीका ढूंढ लिया, तो पाउडर बना लिया, थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके उसको मिक्सर में पाउडर बना लिया, 1 चम्मच रोज दे देती हूँ दूध में, तो उसका वो खाना भी हो जाता है। और फ्रूट्स खाने का भी टाइम नहीं होता है, तो सुबह सुबह मैं बनाना दे देती हूँ। बनाना है ना, सुबह खाना ही अच्छा रहता है, खाली पेट तो पेट के लिए अच्छा रहता है, तो मैं सुबह ही दे देती हूँ। तो अभी है ना, बारिश थोड़ा बहुत चालू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, इसलिए सैंडल पहन के जाने के लिए बोला है टीचर ने, शूज़ अभी कैंसिल किया है। तो वो जाने के बाद मैं फटाफट थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू किया घर का, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो स्कूल जा रही हूँ, उसके पापा भी जा रहे हैं मेरे साथ, सभी पेरेंट्स को बुलाए। 6th, 7th और 8th का शायद आज है, तीनों क्लास साथ में, तो जाऊंगी, उधर लग जाएगा 1-1.5 घंटा। फादर थोड़ा बहुत समझाए हम लोगों को, टीचर भी समझाए, जैसे खाली स्कूल भेजने से नहीं होता है, टीचर लोग अपना 100% देते हैं तो पेरेंट्स को भी अपना 100% देना चाहिए। जैसे वो लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में रेगुलर क्या कराते हैं, वो चेक करने की जिम्मेदारी हमारी, एग्ज़ाम आ रहे तो कौन कौन सा लेसन आ रहे, उन लोगों का ख़त्म हुआ कि नहीं, वो भी चेक करना हमारा जिम्मेदारी। टीचर बोलते हैं कि हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन कोई कोई पेरेंट्स चेक नहीं करते हैं, तो उसके वजह से बच्चे का पीछे रह जाते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स भी टाइम नहीं मिलता है, सब जॉब करते हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स लोगों को समझाने के लिए वो लोगों ने बुलाया था। हर साल बुलाते हैं स्टार्टिंग में, तो समझाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ चेंज होता है स्कूल में वो भी समझाते हैं। तो ओट्स एक पैकेट पूरा ख़त्म हुआ है, तो मैं वापस से डब्बा भरने वाली हूँ, बहुत सारे ओट्स लाए इस बार, तो हम लोग ओट्स खा रहे हैं अभी इतना दिन बंद था, तो गैस को भी थोड़ा सा साफ कर लूंगी, मुझे ना थोड़ा भी गंदा दिखता है तो नहीं पसंद, उसमें मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। भूख लगा है ना, क्या बताऊँ, अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को ओट्स दे दिया था, आज मुझे ओट्स लेने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, कुछ और बनाऊंगी, पोहा या फिर ब्रेड ऑमलेट ऐसा कुछ बनाऊंगी, थोड़ा सा ब्लैक टी बना लूंगी। और इतना गर्मी लग रहा है, बारिश आएगा, लेकिन एक दो बूंद गिर रहा है, लेकिन गर्मी भी उतना ज्यादा लग रहा है। घर का पूरा साफ सफाई कर लिया है, पोछा बाकी है, बाकी झाड़ू वगैरह हो गया है और खाना बनाना बाकी है, तो ब्लॉग को देखते रहो, थोड़ा सा पानी पी लो, पानी जितना हो सके उतना पियो, मैं भी पीती हूँ, आप लोगों को भी बोल रही हूँ, स्किन के लिए बहुत अच्छा है इसलिए। तो मैं बना लूँगी ब्लैक टी, मैं कभी कभी ग्रीन टी भी पीती हूँ, कभी कभी मिल्क टी भी पीती हूँ, मुझे जब जैसा मूड होता है उसी हिसाब से मैं चाय पीती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पीती हूँ, चीनी भी कम से कम देने की कोशिश करती हूँ।
और थोड़ा सा ब्रेड ऑमलेट बना लूँगी। ब्रेड ऑमलेट में मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए ही है खाली। हस्बैंड या बेटी के लिए होता तो मैं इसमें बहुत कुछ डालती, वो लोगों को मतलब अच्छे से देना पड़ता है, और मैं कुछ भी बना के खा लेती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, बस थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई करूँगी और ब्रेड ऊपर से डाल दूँगी। वैसे तो ब्रेड को भी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली वाइट ब्रेड को, लेकिन हस्बैंड के दुकान में वाइट ब्रेड ही रहता है, ब्राउन ब्रेड वो रखता नहीं है। मतलब वो जिससे लेता है ब्रेड वगैरह वो नहीं लाते, उन्होंने बोला है बहुत बार, क्योंकि मैंने बोला था कि आपके शॉप में रखोगे तभी तो मुझे अवेलेबल मिल जाता है। उनके शॉप में जो जो रहता है वो मेरे को बाहर से लेना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता है, उनको बोलती हूँ तो लेके आ जाते हैं, तो मेरा तो मज़ा ही मज़ा है। तो इसीलिए वो ब्राउन ब्रेड रहता नहीं है, तो वाइट ब्रेड ही लेके आते हैं, और बाहर से भी नहीं लेके आते, नहीं मैं जाती हूँ लाने के लिए। तो इसलिए एक ही पीस लिया है मैंने, दो पीस लेने वाली थी लेकिन एक ही पीस लिया है, क्योंकि ब्रेड खोला है सुबह सैंडविच बनाने के लिए। अभी ये पूरा ख़त्म नहीं करूँगी तो दो तीन दिन में फिर उसका डेट ओवर हो जाएगा, तो उसको फेंकना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ले लिया। और अभी बनाऊँगी मैं फ़िश करी बनाऊँगी, और टॉक दाल बनाऊंगी आम डाल के, और कुछ उसके साथ बना लूँगी, और राइस यही रहेगा आज लंच में। और सरसों का तेल में ही हमेशा बनाती हूँ, तो फिश है ना, फिश या चिकन इसमें ही बहुत अच्छा होता है, तो ये टेंगरा फिश, पापदा फिश ये सब बहुत छिटकता है, तो मैं थोड़ा सा पहले नमक डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मछली डाल के ढक देती हूँ, और मछली जब उसको मैरिनेट करती हूँ तो हल्दी नमक के साथ थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ, तो ऑयल डाल के जब उसको मैरिनेट करते हैं तो कम छिटकता है। तो मसूर की दाल मैंने भिगो के रखी थी, दाल भिगो के रखते हैं तो जल्दी बॉयल हो जाता है, तो कम से कम टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट कम से कम भिगवा दो। तो मसाला मैं तैयार कर लूँगी, थोड़ा सा टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा और रांधुनी लूँगी। रांधुनी पहचानते हो कि नहीं? पता है, नहीं पता है मुझे, क्योंकि बंगाल में बहुत खाते हैं रांधुनी, और मुझे भी बहुत पसंद है। फिश करी में पता नहीं सब डालते कि नहीं डालते, मुझे इसका स्मेल बहुत पसंद है तो मैं डाल देती हूँ। अजवाइन जैसा ही दिखता है लेकिन अलग सा खुशबू है उसका। फिश फ्राई हो गया है, बहुत सारा ऑयल है तो मैं इसी ऑयल को उठा के रखी हूँ, क्योंकि इतना ऑयल में मैं ग्रेवी नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा ऑयल में ही बनाऊँगी। और मैंने सारे के सारे मसाले दे दिया मिक्सर में, उसके बाद पावर चला गया तो मैं ऐसे ही उसको कूट के थोड़ा सा पीस के जैसे तैसे कर लिया, क्योंकि सिलबट्टा है ना बहुत अंदर रखा हुआ है, ज़्यादातर मिक्सर का यूज़ करती हूँ, तो सिलबट्टे को अभी निकाल के फिर उसको धो के कौन पीसेगा। और अदरक को ग्रेट कर लिया है, जीरा और धनिया का पाउडर डाल दिया है, टमाटर को थोड़ा सा छोटा छोटा काट लिया है, बस हो गया जुगाड़। ये है मेरा शॉर्टकट जुगाड़, आप भी सोचोगे कितना आलसी है लेकिन ऐसा नहीं है। सिलबट्टे में बहुत दिन हो गया नहीं पीसी हूँ, वो बहुत अंदर रखा हुआ है, तो उसको कौन निकालेगा अभी इतना सा मसाला के लिए, इसीलिए मैंने जुगाड़ कर लिया है। तो ग्रेवी मेरा हो अच्छे से, जब मसाला कुक हो जाता है फिर उसके बाद पानी डाल के अच्छे से बॉयल आता है तो फिश को डाल देती हूँ, और फिश को है ना मैं थोड़ा कड़क ही फ्राई करती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता दे देती हूँ, और बाहर है ना हवा बहुत तेज़ चल रहा है, जैसे तूफान जैसा आएगा, न्यूज़ में भी बार बार दिखा रहा है ना कि गुजरात में तूफान हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। समुंदर के पास में जितना लोग हैं सब लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि तूफान के वजह से। तो आज का व्लॉग यही तक था, तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा है और धूल मिट्टी बहुत उड़ रहे हैं, मैं तो खिड़की अभी बंद करने वाली हूँ, दरवाज़ा तो नहीं बंद कर सकती, बहुत मेरे पर्दा उड़ के जैसा मुंह पे लगेगा अभी ऐसा हो रहा है। और सभी के दरवाजे इतना धराम धराम से बंद हो रहा है ना, पूरा बिल्डिंग कांप रहा है, ऐसा हालत हो रहा है। लेकिन गुजरात में तूफान बहुत ज़ोर से आएगा ऐसा कुछ, अभी तक तो हमारा इधर बहुत तेज़ तूफान तो नहीं आया, लेकिन हवा बहुत ज़ोर तेज़ हवा चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो बारिश तो नहीं आया अभी, देखते हैं क्या होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।